जय हिंद। मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में, जो यह चैप्टर होता है कि हर एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने पहला टॉपिक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जाकर देख लें। और जो पहला जो टॉपिक था, पहला जो टाइप का था, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा रिविजन आपसे रिविजन करवा देंगे, ठीक है ना। ऐसे बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपसे कभी दिशा के बारे में, किसके बारे में भैया, दिशा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया वो कोई भी व्यक्ति है, इतना मीटर चला है, फिर बाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला है, इतना मुड़ा, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भैया, दिशा के बारे में पूछे। देखिए यहाँ पे अगर दिशा के बारे में पूछता कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर दिशा के बारे में पूछेगा भैया तो हम क्या करते हैं भैया, हमें अंक से कोई मतलब नहीं हो। अंक का मतलब है कि वह कितना मीटर चला है, कितने किलोमीटर चला है, तो हम अंक से कोई मतलब नहीं होगा। बस हमें दिशा अगर पूछेगा तो बस हमसे मतलब होगा, बायां से मतलब होगा, उसके बाद किससे मतलब होगा भैया, दायां से मतलब होगा, ठीक ना। हमें दायां और बायां से मतलब होगा, ठीक ना। तो अगर बात करते हैं यहाँ देखते हैं, ठीक ना। तो पहला था यश, क्या दिया भैया, यश यहाँ दिया, यश पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलते हैं। क्या दिया यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम से बात किया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को बनाते हैं। क्या बनाने भैया, डायरेक्शन को, पहला हमारे क्या होता है पूरब हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा क्या भैया पश्चिम, ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है, ये हमारा क्या उत्तर है, और ये हमारा क्या भैया दक्षिण है। क्या है हमारे पास भैया, दक्षिण है। तो सबसे पहले हम दिशा को क्या करते हैं, दिशा को पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या दिया भैया, यस यस क्या भैया पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है भैया, यस या यस जो भैया पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर भैया चल रहा है, तो भैया क्या करेंगे भैया, पश्चिम की ओर क्या करते हैं भैया, उसे इंडिकेट कर देंगे, ताकि मालूम चले भैया कि वो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक ना। तो हमने आपको बताया था कि भैया कि अगर दिशा पूछे, क्या पूछे भैया, अगर दिशा अगर पूछ रहा है भैया, तो हमें कोई अंक से कोई मतलब नहीं होगा कि वो कितना मीटर चला है, कितना मीटर गया है, ठीक ना। आगे बात, यस पश्चिम की ओर कितना मीटर, 9 मीटर चला है, तो मीटर से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो ठीक ना। तो आगे तक चला, फिर हुआ दाएं मुड़ा, कितना मुड़ा भैया, दाएं मुड़ा, तो भैया क्या करते हैं यहाँ क्या लिखेंगे भैया, दाएं मुड़ा, क्या मुड़ा भैया, दाएं मुड़ा। उसके बाद बोलते हुआ 10 मीटर, कितना मीटर भैया, 10 मीटर चला है भैया, तो 10 मीटर से मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, तो आगे चलते हैं भैया, फिर हुआ किधर मुड़ा भैया, बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा, तो भैया क्या लिखेंगे भैया, बाएं, क्या लिखेंगे भैया, बाएं मुड़ा, ठीक है ना। तो फिर हुआ कितना मीटर, 2 मीटर चला, मीटर से कोई मतलब नहीं। हमने बताया था अगर दिशा के बारे में पूछेगा भैया, तो हमें मीटर के बारे में पूछेगा, तो अगर हमें दिशा के बारे में पूछे भैया, तो हमें मीटर से कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब होगा कि दायां और बायां से मतलब होगा। आगे बात करते हैं, फिर हुआ पुनः बाएं मुड़ा, काम मुड़ा भैया हुआ, फिर हुआ काम मुड़ा भैया, बाएं मुड़ा, तो हम क्या करेंगे भैया, बाएं, यहाँ क्या कर देंगे भैया, बाएं करेंगे, ठीक ना। तो मुड़ा और 10, कितना मीटर भैया, 10 मीटर, 10 मीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब यश सामने की ओर चला और किस दिशा की ओर गया भैया, अब सामने की ओर चला, अब वह किस दिशा की ओर चला गया, ठीक ना। तो अब बात करते हैं, एक बात है, हमने तो कॉन्सेप्ट लिखवाया था, दायां का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब का घड़ी की दिशा की बात करेंगे, ठीक ना। दायां का मतलब होता है राइट, और राइट का मतलब से अर्थ इंडिकेट करेंगे, उसका मतलब दक्षिणावर्त होता है भैया, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के दिशा में बात करेंगे। उसी के हिसाब से बायां होता है, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, अब लेफ्ट का मतलब होता है राइट, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट का मतलब लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट का जो हम यल से इंडिकेट करेंगे, जिसका मतलब होता है बायांवर्त, वामवर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में बात करेंगे, ठीक ना। अगर बात की जाए, अगर हमें एक बात और है भैया, कंसेप्ट में छूट गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है, जब हमें दिशा के बारे में पूछे भैया, तो दायां क्या होता है भैया, दायां होता है ना भैया, दायां जो होता है बायां से कटे, किससे कटेगा भैया, बायां से कटेगा। जो हमेशा क्या होता है कि दिशा के बारे में पूछे, दिशा अगर पूछता है भैया, तो हमें विपरीत दिशाएं आपस में क्या होती है, कट जाती हैं, विपरीत दिशाएं आपस में क्या होती है भैया, कट जाती हैं। उसी प्रकार से होता है बायां, क्या होगा भैया यहाँ पे, बायां होगा भैया, वो दायां से कटेगा, किससे कटेगा भैया, दायां से कटेगा, दायां से बायां कटेगा, बायां से दायां कटेगा, ठीक ना। एक बात और है कि जो एक
एक राइट मतलब एक दायां इक्वल टू एक बायां बराबर कितना होता है भैया 90 अंश होता है। राइट का मतलब दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के दिशा में घूमना है। अगर लेफ्ट के बारे में पूछा लेफ्ट का मतलब होता है यल का मतलब वामावर्त होता है और घड़ी के विरुद्ध दिशा में घूमना है। अगर एक हमारे पास एक राइट बचेगा तो मतलब 90 अंश होगा, अगर एक लेफ्ट बचेगा उसका भी मतलब कितना हो गया 90 अंश होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे, हमने क्या बताया था आपको कि जो विपरीत दिशाएं आपस में क्या करेंगी भैया कट जाएंगी, इसमें पहले कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, दायां से क्या कटेगा भैया बायां कटेगा, दायां से क्या कटेगा भैया बायां कटेगा, और हमारे पास क्या बचा हमारे पास बायां। हमने बताया था कि या एक राइट हो या एक लेफ्ट हो उसका कितना मतलब होता है 90 अंश हमें क्या होता है भैया घूमना होता है। तो बायां का मतलब क्या हो गया, बायां का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करना है भैया घूमना है। तो आते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास यश व्यक्ति था वह उसका जो मुख था वह पश्चिम की ओर चला क्या होगा पश्चिम की ओर चला, तो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया था पश्चिम की ओर, यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया था। तो हमारे पास लास्ट में कितना बचा, एक बायां बचा है, एक बायां का मतलब होता है कि 90 अंश, कितना भैया 90 अंश। तो हम क्या करेंगे भैया 90 अंश, और बायां का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में हमें क्या करना है भैया घूमना है। तो यहाँ पर यश व्यक्ति खड़ा है, ठीक ना, यश व्यक्ति खड़ा है उसे 90 अंश घुमाना है, किस साइड में घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इधर जाएगी तो ये सीधा होगा घड़ी दिशा में होगा, अगर इधर घूमेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। तो बताइएगा ये कितने अंश हमारे पास है 90 अंश है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घुमा देते हैं भैया तो हमारे पास किस दिशा में जाएगा भैया, किस दिशा में हमारे पास होगा, तो हमारा जो आंसर होगा दक्षिण दिशा में क्या होगा हमारे पास होगा, हमारे पास क्या होगा भैया दक्षिण दिशा में जो यश होगा भैया दक्षिण दिशा में यश होगा उसका मुख क्या होगा भैया दक्षिण दिशा में होगा। तो ये यहाँ पर जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो हमारे पास होगा भैया दक्षिण दिशा में होगा। फिर समझिएगा, अगर आपसे दिशा पूछता है तो हमें अंग से कोई मतलब होगा नहीं होगा कि वह व्यक्ति कितना मीटर चला है, हमसे कोई मतलब नहीं होगा, बस सिर्फ हमसे मतलब होगा कि दायां और बायां से, जितना हमारे पास दायां और बायां होगा हम उसे एक सीधे लाइन में लिख लेंगे, और विपरीत दिशाएं आपस में क्या करती है कट जाती है, विपरीत दिशा आपस में क्या होगी कट जाती है, और लास्ट में हमारे पास या लेफ्ट बचेगा या राइट बचेगा लेकिन एक ही बचेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर एक बचेगा तो 90 अंश, दो बचेगा तो 180 अंश, ठीक ना, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट में बायां बचा था, बायां का मतलब कितना होता है 90 अंश हमें घूमना है, कितना भैया 90 अंश घूमना है, अगर बायां बोलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, अगर राइट बोलेगा तो घड़ी के दिशा में घूमेंगे। तो इस प्रकार से यह वीडियो हमारा पहला टाइप था, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप उसे जरूर लगाइएगा, जिस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से आप लगाइएगा, और लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं।